ग्वालियर में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय होने की अफवाह के चलते लोग इस कदर गुस्से में हैं कि जरा भी शक होने पर किसी पर भी हमला कर देते हैं। मामला बहोड़ापुर क्षेत्र का है, जहां भीड़ तंत्र ने बच्चा चोरी के आरोप में तीन लोगों को पीट पीट कर लहूलुहान कर दिया। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने भीड़ से इन लोगों की जान किसी तरह बचाई। साथ ही इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लिया है। शंकरपुर में ग्राम कुलैत से एक सखी बाबा है, पायल उर्फ सखी बाबा जी, अपने दो भक्तों को रिंकू खटीक और दीपू खटीक इन्हीं के साथ मोटरसाइकिल से निकल रहे थे शंकरपुर के ग्वालियर के लिए बाड़ा जा रहे थे। शंकरपुर पे लोगों ने इस शक में एक जो वो चल रहा है, र्यूमर चल रही है बच्चों को उठाने वाला, उस शक में इनको रोक लिया और इनकी मारपीट कर दी। ये कौन लोग थे जो मारपीट की? मारपीट में गांव के लोग, उसी गांव के लोग हैं। एक तो उसमें बंटी उर्फ सलमान है, एक करण राजपूत है और एक है रवि खान। ऐसा मालूम पड़ा कि बहुत लोग थे? हाँ, बहुत लोग थे। अभी इन तीन लोगों की पहचान हुई है, शेष वो देख के आगे पहचान करके जो जो इसमें शामिल होंगे उन सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। वहीं बच्चा चोरी के शक में भीड़ का उग्र होकर किसी की पिटाई करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही कंपू क्षेत्र में इसी तरह से भीड़ ने एक शख्स को बच्चा चोरी के शक में पकड़ कर जमकर पीट दिया था। जिसका वीडियो इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि भीड़ का हुजूम किस तरह से एक शख्स को बिजली के खम्भे से बांध कर जमकर पिटाई कर रहा है। हालांकि इस मामले में पुलिस की जांच में बच्चा चोरी का आरोपी निर्दोष निकला, तो सवाल उठता है कि आखिर यह अफवाह फैलती कैसे है, कौन इसे फैलाता है जिससे लोग उग्र होकर किसी की भी पिटाई कर देते हैं। ग्वालियर से न्यूज के लिए रविंद्र सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट।